अरे रोहित, तुम ऐसे अचानक कैसे? हितांशी, मुझे ना तेरी बहुत याद आ रही थी, मैं आ गया तुझसे मिलने। अच्छा, चलो सही किया, मैं बोर हो रही थी आज। रुको, मैं पानी मंगवाती हूँ। लालू, एक ग्लास पानी लाना। जी मालकिन, लाया। और कैसे हो तुम? तो मैं एकदम बढ़िया, तू बता कैसी है? देखो जैसे हूँ आपके सामने हूँ। और बताओ क्या हाल है? लो मालकिन, आपने पानी मंगाया। इनको दो। वैसे मालकिन, ये कौन है? अरे तुम इन्हें पहचानते नहीं क्या? नहीं मालकिन। अरे ये मेरे चाचा का लड़का है, भाई है मेरा, कहीं तुम गलत समझो। अरे नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं। चलो जाओ, जाकर चाय बनाओ। ठीक है मालकिन। हितांशी, ये नौकर का नया रखा है क्या घर में? हाँ ये नया रखा है, पिछले महीने दूसरा था, ये नया है, इसलिए से पता नहीं है कि तुम कौन हो। अच्छा है, इसे नहीं पता। अच्छा हितांशी, आर्यन कहाँ है? वो तो ऑफिस गए हैं। ऑफिस गए हैं? अच्छा हितांशी, मैं क्या कह रहा था, मेरे साथ तू बाहर चल, मुझे कुछ सामान लेना, तू भी अपने लिए कुछ ले लियो। हाँ वैसे भी मैं बोर हो रही हूँ, बाहर ही चलते हैं। ठीक है, तो चलो फिर। चलो। अरे मालकिन, आप लोगों ने चाय बनवाई है? आप लोग कहाँ जा रहे हो, चाय तो पीते जाओ। अरे वो मैं बाहर जा रही थी, तू एक काम कर, ये चाय तू पी, और आर्यन आए ना तो उन्हें बोल देना मैं बाहर गई हूँ। ठीक है? ठीक है मालकिन। और घर का थोड़ा बहुत काम वाम कर लो, ये नहीं कि बैठे रहना। ठीक है मालकिन। चले। वैसे तुम्हें क्या सामान लेना है? सामान? मुझे कोई सामान वामान नहीं लेना, वो तो तुम्हारा नौकर आ गया था, मैं तो उसके सामने बोल दिया कि सामान लेना। अच्छा, मेरा मन तो बस तुमसे मिलने का था। अब मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम मुझे सामान दिलाओगे? दिला दूंगा माँ, तुम चलो तो। अच्छा क्या दिलाओगे ये बताओ। जो तुम कहो। पहले हम कुछ खाने चलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या लेना है मुझे। अभी पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला, तुम वहाँ के मोमोज खिला था। हाँ चलो, उसके बाद आइसक्रीम भी। अभी आई नहीं। लालू। जी मालिक। एक गिलास पानी ले गई हो? जी मालिक, लाया। लो मालिक पानी। तांशी कहाँ है? मालकिन तो बाजार तक गई है। मार्केट गई है? बाजार। अरे बाजार कैप्टन, बाजार गई है? हमेशा तो मेरे साथ बाजार जाती है, आज अकेली चली गई? नहीं मालिक, एक लड़का आया था। लड़का? जी मालिक, उन्हीं के साथ गई है बाजार वो। अच्छा, कौन था वैसे? पता नहीं मालिक, मैंने पूछा था तो मुझे बता रही थी कि ये मेरे भैया है। हाँ हाँ, वो रोहित होगा, उसका भाई है वो, चाचा का लड़का। हाँ मालिक, तुम ठीक कह रहे हो। हाँ चल ठीक है, ले पानी ले जा, खाना बना दिया तूने? बस वो मालिक, मैं अभी खाना ही बना रहा था। जा जाके खाना बना। ठीक है मालिक। अरे सो रहे हो क्या? हाँ यार, बहुत थक गया था, वैसे आँख लग गई। और आ गई तुम? हाँ आ गई मैं। कहाँ गई थी? बस यहीं गई थी थोड़ी शॉपिंग करने। आज तो मेरे बिना ही चली गई। अरे वो रोहित आ गया था ना, बताया ना मैंने आपको, मेरी चाची का लड़का, उसके साथ चली गई थी। ठीक है कोई बात नहीं।
वैसे लालू ने खाना वाना बना लिया? हाँ मैंने बोला तो है, वैसे खाना ही बना रहा है वो। ठीक है तो अंदर चलो, मुँह हाथ धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। चलो ठीक है। वैसे ये क्या ले आई तुम? अरे कुछ नहीं, बस सूट लाई हूँ। चलो आर्यन, ये कौन है? कौन है? बीवी है मेरी, दिख नहीं रही। फिर मैं कौन हूँ? तुम भी मेरी बीवी हो। आर्यन ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा? एकदम सही बोल रहा। मैं इससे प्यार करता था, तुम शादी की। हाँ मैं भी इनसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने भी इनसे शादी कर ली। तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई एक शादीशुदा मर्द से शादी करते हुए? हाँ? अरे आर्यन तुम अंदर चलो, इसके बिना फालतू में मुंह मत लगो। तू औरत है या डायन है? हाँ? तुझे शर्म नहीं आई एक औरत की जिंदगी खराब करते हुए कि मैं कैसे एक शादीशुदा मर्द से शादी कर रही हूँ? कान से बिल्कुल चुप। अब मैंने इससे शादी कर ली है, अब ये मेरी पत्नी है, इसके बारे में मैं एक बात नहीं सुनूंगा तेरे से, ठीक है? जब तुम इससे प्यार करते थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी, बताओ मुझे। चुप, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। सोनिया चलो अंदर, लालू जाके हम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बनाओ, कमरे में ले आना। हट। ये क्या कर दिया आर्यन ने? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसे निकलेंगे, ये ऐसे मेरे सामने ही किसी और से शादी कर लेंगे और इस घर में ले आएंगे। मतलब इनका चक्कर चल रहा था और पता नहीं कितने टाइम से चल रहा होगा। मैं अभी रोहित को फोन करती हूँ, उन्हें यहां बुलाती हूँ, वो ही कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। हाँ हेलो रोहित। हेलो रोहित, तुम कहाँ हो? मैं रोहित, तुम जहां भी हो जल्दी घर आ जाओ। ऐसी क्या बात हो गई, परेशान क्यों हो? तुम पहले घर आ जाओ फिर मैं सब बताऊंगी। ठीक है बात। हाँ आर्यन, यार तुम्हारी बीवी कितना बोलती है, दिमाग खा के रख दिया उसने। अरे कोई बात नहीं सोनिया, वो तो ऐसी बोलती रहती है, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें जो भी खाना हो जो भी पीना हो मुझे बताओ, मैं ला के दूंगा। मैं ना यहाँ पे उसकी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। सोनिया तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी, दो चार दिन में अपने आप समझ जाएगी। वो नहीं समझेगी तो मैं समझा दूंगी, पर बात तो ये है ना आर्यन, तुम ऑफिस चले जाओगे वो कहीं मेरे साथ बदतमीजी ना करने लग जाए। अरे सोनिया तुम क्यों टेंशन ले रही हो, वैसे ही हमारे घर में नौकर है, तुम जो भी चाहिए होगा ना उसे बता देना, और अगर वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगी तो मैं आते के साथ ही उसे ठीक कर दूंगा। हाँ चलो ठीक है, लालू अभी खाना बना रहा होगा, तुम खाना वाना खा के आराम कर लेना। ठीक है आर्यन। वैसे तुम खुश तो हो ना मुझसे शादी करने के बाद? हाँ आर्यन मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं कितनी देर हो गई, ये कहाँ रह गए अंदर कमरे में, क्या कर रहे हैं? आ गई तुम। हितांशी क्या बात होगी, तुम कैसे परेशान थी? तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज आर्यन दूसरी शादी करके एक लड़की को ले आया। दूसरी शादी करके ले आया? हाँ और वो मुझसे बहुत उल्टा बोल रहा था। अरे ये क्या कह रही हो, तुम सच बोल रही हो? हाँ मैं सच बोल रही हूँ। मालकिन अब गर्मा गर्म चाय। अच्छा हितांशी वैसे एक बात बताओ,
ये चीजें ठीक नहीं हो गई। वैसे भी तो तुम डाइवोर्स लेने वाली थी ना, अब वो शादी कर लाया ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया ना। रोहित ये तुम क्या बोल रहे हो, शादी कर लाया वो बात अलग है, लेकिन वो मेरे सामने शादी कर ली उसने, यहाँ तक कि इस घर में ले आया उसको, वो भी मेरी आंखों के सामने। तो हितांशी हम भी उनके सामने शादी कर लेंगे ना, उनको बोल दो कि मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा। रोहित प्लीज चुप हो जाओ तुम। अरे मालकिन इसे तो आप अपना भाई बताते थे, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ए नौकर चुप कर, इस घर में काम करने आया ना, चुपचाप काम कर, अपनी पगार ले और निकल, समझा? जरा चोट चलाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, नौकर है नौकर बन कर रहा है। कितनी जबान चलती है तुम्हारे यहाँ नौकरों की। हाँ अपनी औकात भूल जाते हैं ये लोग, उसने रखा है इसको। चल जा भाई अब। अच्छा हितांशी क्या करना है? अरे यार तुम बैठो अभी, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, मैं देख के आती हूँ वो दोनों क्या कर रहे हैं। हाँ जाओ देख के आओ, मेरी बात तो तुम्हें समझ में आ नहीं रही है ना, अब भी आर रहन करी जा रही है। तुम बैठो मैं अभी आती हूँ। चल भाई ये तो सही हो गया, वैसे भी ये तलाक तो दे नहीं देते, अब तो तलाक देगी, मेरा काम तो हो गया। यार आर्यन अभी तक लालू ने कुछ बनाया नहीं है खाने के लिए। बना रहा होगा। आर्यन बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों यहीं कर मुझसे बात, मेरी बीवी के सामने? दो मिनट की बात है, बाहर चलो, कुछ जरूरी बात है। मैं कोई बार बार नहीं आने वाला, जो बात करनी है यही कर मेरी बीवी के सामने। थोड़ी देर पहले आई हुई तुम्हारी ये बीवी हो गई अब, और मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ। अरे मैंने कब बोला कि तू मेरी कुछ नहीं है, तू भी मेरी बीवी है और ये भी मेरी बीवी है, क्या हो गया? दोनों एक साथ रह लो ना प्रेम से, ये भी तो दिक्कत नहीं मान रही तो तू क्यों मान रही है? अच्छा मतलब तुम बाहर नहीं चलोगे? देख जो ये बात करनी है ना इसी के सामने कर ले, मैं बाहर नहीं आ रहा। आर्यन ये तुमने ना मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं करा। अरे मैंने क्या बुरा कर दिया तेरा, मैं इससे प्यार करता था तो मैंने इससे शादी कर ली, अरे ये भी तो तैयार है तेरे साथ रहने के लिए, दोनों रह लो ना एक साथ बहनों की तरह। मुझे है दिक्कत क्योंकि मैं तुम्हारी और इसकी तरह बेशरम नहीं हूँ, तुम्हें नहीं चलना ना बाहर, मत जाओ। क्या है ये, तुम इसे झेल कैसे रहते अब तक? क्या करूँ यार झेलना पड़ रहा है, इसलिए तुमसे शादी करी है। हितांशी क्या बात हुई अंदर? क्या बताऊँ वो तो मेरी बिल्कुल सुन ही नहीं रहा। तो सही तो है, मैं तो पहले भी कह रहा था तुम ही लग रही थी आ रहे हैं। हाँ तुम सही बोल रहे हो, बहुत हो गया इसका, अब कुछ ना करना ही होगा। अरे वैसे करोगी क्या ये तो बता दो। करना क्या है, जैसे उसने शादी कर ली अब हम भी शादी करेंगे। हितांशी तुम्हें अंदर आर्यन बुला रहे हैं। क्यों अब क्यों बुला रहे हैं, मैं नहीं आ रही। वैसे ये कौन है? ना ही पूछो तो अच्छा है। नहीं फिर भी ये है कौन? जैसे आर्यन तुम्हारा आदमी है ना वैसे ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इससे शादी करूंगी अब। तुमने मेरी सुनी? रोहित तुम कब आए? अभी आया हूँ। अब अंदर आ रही हो नहीं आ रही? नहीं आऊंगी मैं अंदर, क्या कर लोगे? चलो तो अब मैं तुम्हें हकीकत बता ही दूं, ये है ना रोहित ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा कोई भाई भाई नहीं है समझे, और जैसे तुमने इससे शादी की है ना मैं भी इससे बहुत जल्द शादी करूंगी,
और तुम्हारी आंखों के सामने करूंगी। वाह तानसी वाह, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती। ये सब तो मैंने एक नाटक रचा था, ये कोई मेरी वाइफ वाइफ नहीं है, ये मेरी एक कॉलेज फ्रेंड है। ये सब मैंने तुम्हारा सच उगलवाने के लिए करा, और जिसे तुम अपना भाई बताती हो वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुमने इतने बड़े धोखे में रखा मुझे हितांशि, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। आर्यन ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ हितांशि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और हाँ सुनना चाहती हो सब मैंने कैसे करा तो सुनो। अच्छा हितांशि। हाँ बोलो। कितना अच्छा पार्क है ना? हाँ पार्क तो बहुत अच्छा है। थोड़ी देर यहाँ बैठे? नहीं मुझे लेट हो रहा है। प्लीज ना थोड़ी देर बैठते हैं। चलो ठीक है थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तांची। हाँ बोलो। एक बात पूछूं? क्यों नहीं जरूर पूछो यार। पार्क में आके कितना अच्छा लगता है, हवा भी कितनी अच्छी चल रही है। अरे ये तो आर्यन की वाइफ लग रही है, ये यहाँ क्या कर रही है और ये कौन है, ये किसके साथ बैठी हुई है? चलो देखता हूँ मैं भी, तब तक तो मुझे डिवोर्स देती हूँ, तुम बस मेरा ही पागल बना। अरे पापा तुम नाराज क्यों हो रहे हो, बस थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं उसको डिवोर्स दूंगी फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और खुशी से रहेंगे। तो ठीक है हितांशि अब चलते हैं फिर। हाँ टाइम भी ज्यादा हो गया है, चलते हैं। अरे आर्यन सोनिया तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। लेकिन तुम कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आऊंगा सोनिया, ऑफिस से आ रहा था बस। अच्छा ऑफिस से आ रहे हो? हाँ तुम बताओ तुम्हें क्या काम था? यार आर्यन तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो। मैं ना पार्क से जा रही थी तो पार्क में ना तुम्हारी वाइफ और एक लड़का बैठ के पता कैसी कैसी बातें कर रहे थे। कैसी? तुम्हारी वाइफ हितांशि ये बोल रही थी कि मैं आर्यन को तलाक देके तुमसे शादी कर लूंगी। अरे नहीं नहीं सोनिया मान तो तुम मेरी पक्की फ्रेंड हो, लेकिन यार तुम हितांशि के बारे में ऐसा मत बोलो, ऐसी नहीं है वो। आर्यन मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा तुमने उस लड़के को देखा, कैसा था वो लड़का? हाँ मैंने देखा है, वो हाइट में तो तुम्हारे जैसा है और उसकी शेविंग भी है हैवी हैवी सी और उसका रंग भी गोरा है। अरे सोनिया वो तो उसके चाचा का लौंडा है, तुम भी यार बिना फालतू की शक कर लो किसी पे भी। आर्यन अगर वो उसके चाचा का लड़का होता तो वो उससे ये क्यों बोलता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और हितांशि भी ये बोल रही थी कि मैं आर्यन को तलाक देके मैं तुमसे शादी कर लूंगी। आर्यन मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बात का यकीन करो। देखो सोनिया मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, मैं हितांशि बहुत विश्वास करता हूँ, ठीक है तुम झूठ मत बोलो मेरे से। आर्यन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखो, जो मैं कहती हूँ बस तुम वो करो, फिर देखना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सोनिया तुम कहती हो ना तो मैं तुम पे विश्वास कर लेता हूँ, बताओ क्या करना है। आर्यन मैं तुमसे कल मिलती हूँ। ठीक है बाय। तो ये थी सारी कहानी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आर्यन
मुझे माफ कर दो, मुझसे पता नहीं ये गलती कैसे हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। तानसी, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। ऐसे मत बोलो प्लीज, मुझे बस एक चांस दे दो। तानसी, तुम्हारी गलती माफ करने लायक ही नहीं है, मैं चाहकर भी तुम्हें पूरी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगा। तानसी, बस मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, चले जाओ मेरा घर छोड़ के। आर्यन प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ तानसी, चली जा यहाँ से, चली जा, वरना तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी आज ही। चली जा प्लीज, चली जा यहाँ से, जा प्लीज। आर्यन, मुझे बस एक लास्ट चांस दे दो प्लीज। बस तानसी, अब मुझे गुस्सा मत दिलवा, चली जा मेरी नजरों के सामने से, या तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूं। जा, चली जा यहाँ से। और हाँ, तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है, तू भी निकल मेरे घर से। आर्यन, जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा घर तुड़वा दिया। नहीं सोनिया, तुमने तो बहुत अच्छा किया, अगर मैं पूरी जिंदगी इसी के साथ रहता, इसी धोखे में रहता, ये तो मुझे पूरी जिंदगी इसी धोखे में रखती। सही है, मेरी आंखें जल्दी खुल गई सोनिया, तुम्हारी वजह से, मुझे तो तुम्हारा ही धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो मच।